प्रोजेक्ट्स अब जल्दी हम सभी के बीच में आने वाले हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस तरह अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में? अभी तो मेरी एक मूवी रिलीज होने वाली है, हम तुम्हें चाहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर 29 को थिएटर में रिलीज हो जाएगी। और दूसरी भी मैंने SRG के साथ ही एक मूवी और साइन करी है, विक्रांत, तो वो भी एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। तो ये मेरे सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं अभी सो फार। अगर आपके पहले प्रोजेक्ट की बात करूँ तो किस तरीके के कैरेक्टर में आप हमें नजर आएंगे? जो मेरा ये हम तुम्हें चाहते हैं जो मैंने करी है, इसमें मैं एक बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड लड़का हूँ और पार्ट टाइम जिम ट्रेनर हूँ, क्योंकि नौकरी मिलती नहीं है तो गुजारा करने के लिए मैं एज अ जिम ट्रेनर नौकरी करता हूँ। अगर बात करूँ पूरी स्टोरी, किस तरीके की कहानी है जो बेसिकली जो कहानी है काफ़ी ज़्यादा यू नो डार्क रोम कॉम टाइप की कहानी है। ये लव ट्राइंगल है बट एक यूनिक किस्म का ये लव ट्राइंगल देखने को मिलेगा आपको। एंड अगर सेकंड प्रोजेक्ट की बात करूँ तो वो स्टोरी कैसी, क्या कुछ रहेगी? इसकी स्टोरी में ज़्यादा तो नहीं बता सकता अभी, बट बेसिकली वो एक ड्रग्स के अगेंस्ट, यू नो ड्रग माफिया के अगेंस्ट जो फाइट करता है पुलिस ऑफिसर, उसका स्ट्रगल दिखाते हैं। और फैमिली ओरिएंटेड भी है काफ़ी, उसकी एक बहन है, एक गर्लफ्रेंड है, एंड काफ़ी ज़्यादा इसमें इमोशन भी है और एक्शन भी बहुत है। जैसे मैं आपसे बात ये करना चाहूँगा, इन दिनों थिएटर और OTT को लेके काफ़ी ज़्यादा एक चल रहा है कंपटीशन जी, कहीं ना कहीं हम सिनेमा घरों को अलविदा कहते हैं, OTT की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स भी अपना डेब्यू कर रहे हैं। रिसेंटली करीना जी ने भी अब अपना OTT पे डेब्यू कर लिया। तो बीइंग एन एक्टर आपको क्या लगता है कि थिएटर और OTT बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा? बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि थिएटर एक पुरानी चीज़ है, हम पुरानी चीज़ों को छोड़ थोड़ी सकते हैं जस्ट बिकॉज कोई न्यू चीज़ आ गई है, अलविदा तो ऐसे कह नहीं सकते। बट हाँ, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलने लग गई है कलाकारों को अपना हुनर दिखाने के लिए, अब आपके पास मंच बहुत बड़ा है, OTT इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्या बात है, ग्रेट। जैसे अगर बात करूँ आपकी पर्सनैलिटी का, एज़ आप फिटनेस भी काफ़ी लग रहे हैं जिम के, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जिम की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके का फिटनेस आप फॉलो करते हैं, किस तरीके का रूटीन होता है आपका? फिटनेस बेसिकली जिमिंग करता हूँ, हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग होती है उसमें, थोड़ा योगा करता हूँ, कुछ जिम और योगा का मिक्सचर मैं ज़्यादा करता हूँ ताकि लीन भी रह सकूँ और फिट भी रह सकूँ। आपको क्या लगता है, एज एन एक्टर जब सामने आता है अगर कोई आज का यूथ, तो उसे किस तरीके की पर्सनैलिटी लेकर उतरना चाहिए फील्ड में? देखिए, पहली बात तो उसको फिजिकली फिट तो होना चाहिए, और दूसरी बात उसको मेंटली बहुत क्लियर होना चाहिए कि उसको क्या अचीव करना है लाइफ में, क्या करना है। क्योंकि अगर यहाँ से आप क्लियर नहीं हो तो परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो फंडा क्लियर होना चाहिए। एज एन एक्टर आपको क्या लगता है, इन दिनों जो OMG 2 और Gadar 2 हम सभी के बीच में आई जी, तो कौन सी दोनों फिल्म सबसे पहले आपने देखी, बताइए? मैंने अभी देखी नहीं अनफॉर्चुनेटली कुछ भी, बट मैं देखूंगा दोनों को। फिर भी एज एन एक्टर क्या लगता है, कौन सी फिल्म बेस्ट थी, OMG 2 और Gadar 2? Gadar 2, क्योंकि मैंने एक्टिंग करने का जो भूत मेरे को बचपन में सवार हुआ था वो गदर मूवी से स्टार्ट हुआ था, तो Gadar 2 एनी डे। अगर जैसे आपने कहा कि भूत सवार है तो गदर का, तो कैसा जोश था उस टाइम पे जब आपने गदर के बारे में? इतना था कि मैं मतलब पगड़ी वगड़ी खरीद के पहनने लग गया था, दाढ़ी नकली खरीद के लगाता था, इतना भूत मेरे को सवार हो गया था। अगर बात करूँ मैं आपके अब सेकंड प्रोजेक्ट की, और भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स जिसमें आप जाना चाहते हो और अपने आप को देखना चाहते हो, ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स है? फिलहाल मैं मतलब OTT में भी जाना चाहता हूँ, बट अभी जैसे मेरी सेकंड मूवी स्टार्ट होने वाली है विक्रांत, अभी फर्स्ट का मेरे को देखना है कि रिएक्शन कैसा मिलने वाला है ऑडियंस का, तो ऑडियंस का रिएक्शन पहले मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस किस्म से रिएक्ट करती है, उसके बाद मैं थोड़ा डिसीजन आगे लूँगा। अभी थोड़ा अर्ली है कहना, बट हाँ, आई एम ओपन टू न्यू रोल्स एंड न्यू चैलेंजेस। रियलिटी शोज की बात करूँ तो कौन से रियलिटी शोज के लिए एज एन एक्टर आप ओपन है? बिग बॉस के लिए हूँ। एंड बिग बॉस फॉलो करते हैं आप कहीं ना कहीं? थोड़ा बहुत करता हूँ, बट हाँ अच्छा लगता है मेरे को बिग बॉस, ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ रियलिटी शोज। ओके, तो कोई अगर सीजन की बात करें बिग बॉस की जो आपके करीब हो या कोई कंटेस्टेंट जो आपको पसंद आए एज एन गेम प्लेयर? मेरे को पुनीत सुपरस्टार काफी ठीक लगा, रीसेंट देखा है मैंने। लास्ट आप अपने फ्रेंड्स जो आगे चल के फैंस बने हुए हैं, फैमिली के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? फ्रेंड्स और फैमिली के लिए क्या मैसेज देना चाहूँगा, इसी तरीके से यार अपनी बेस्ट विशेस दीजिए मुझे ताकि मैं आगे नाम रोशन कर सकूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।